हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। भोला और बन्नी दोनों ने दौड़ की प्रतियोगिता लगाई है। भोला, मैं इस वर्गाकार की टंकी का एक चक्कर लगाऊंगा और तुम इस आयताकार की टंकी का एक चक्कर लगाना। जो भी अपनी टंकी का चक्कर पहले लगा ले वो जीत जाएगा, बन्नी ने भोला से कहा। भोला मान गया और प्रतियोगिता शुरू हो गई। बन्नी और भोला दोनों बहुत तेजी से दौड़ने लगे। बन्नी ने भोला से पहले अपनी टंकी का चक्कर लगा लिया। मैं जीत गया, बन्नी उत्साहित होकर नाचने लगा। तुम्हारी टंकी वर्गाकार की थी और मेरी टंकी आयताकार की थी, और क्योंकि आयताकार का परिमाप वर्गाकार के परिमाप से ज्यादा होता है, मैंने तुमसे ज्यादा दूरी तय की, इसलिए मुझे ज्यादा समय लग गया, भोला ने बन्नी से कहा। बन्नी भोला की बात पर हंस पड़ा। अरे नहीं भोला, ऐसा जरूरी नहीं है कि आयत का परिमाप हमेशा वर्ग के परिमाप से ज्यादा हो। हम दोनों ने अपनी अपनी टंकियों के चक्कर लगाए, इसलिए जो दूरी तुमने तय की वो उन टंकियों के परिमाप के बराबर होगी। आओ हम इन दोनों टंकियों का परिमाप ढूंढ ले, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों ने बिल्कुल समान दूरी तय की है। देखो भोला, मेरी वर्ग आकार की टंकी के किनारे का नाप 5 मीटर है, इसलिए वर्ग आकार की टंकी का परिमाप होगा 5 को 4 बार जोड़ या 4 × 5 = 20 मीटर। और तुम्हारी आयत आकार की टंकी की लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर, इसलिए आयत आकार की टंकी का परिमाप होगा 6 × 4 = 6 + 4 या 20 मीटर। इस तरह इन दोनों टंकियों के परिमाप बिल्कुल समान है। दूसरे शब्दों में, हम दोनों ने बिल्कुल समान दूरी तय की है। अब तो तुम मान गए कि मैंने प्रतियोगिता जीत ली, हाँ? बन्नी ने भोला से पूछा। हाँ, मैं समझ गया बन्नी। चलो हम तुम्हारी जीत की खुशी में बब्बन के आइसक्रीम स्टॉल पर आइसक्रीम खाने चले, भोला ने बन्नी से कहा और दोनों दोस्त आइसक्रीम खाने चले गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखा।